वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑटो ई इनवॉइस विद ईवे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखेंगे, बट सबसे पहले हम ई इनवॉइस के क्राइटेरिया जान लेते हैं। पार्टी के पास अपना जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। एक्सपोर्ट रीबेट, इसमें अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तब भी ई इनवॉइस बना सकते हैं एंड सेज रीबेट का ई इनवॉइस बना सकते हैं। वन क्लिक ई इनवॉइस विद ईवेबिल चार्जेबल फैसिलिटी है, जिसकी पूरी जानकारी आप अपने सॉफ्टवेयर वेंडर का कॉन्टेक्ट करके जान सकते हैं एंड फैसिलिटी एनेबल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम B2B यानी जिस पार्टी के पास GST नंबर है उसका ई इनवॉइस विद ईवेबिल जनरेट कैसे होता है वो देखेंगे। फर्स्ट हम इनवॉइस ऐड करेंगे, जिसके लिए गो टू ट्रांजेक्शन, सेल्स एंट्री, सेल्स इनवॉइस, क्लिक ऑन ऐड बटन, क्रेडिट डेबिट टाइप सिलेक्ट करें, पार्टी सिलेक्ट करें। मेक श्योर कि पार्टी की डिटेल्स जैसे कि पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, सिटी, पिन कोड एंड एड्रेस कंपलसरी फिल करनी है। क्लिक ऑन ओके। इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करें, डेट ऐड करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी ऐड करें, क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन यस, हमारा इनवॉइस ऐड हो चुका है। ई इनवॉइस विद ईवेबिल अनेबल करने के लिए सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप, जिसमें ई इनवॉइस सेटअप में ई इनवॉइस रिक्वायर्ड में यस सेट करें एंड जनरेट ईवेबिल विद ई इनवॉइस में यस सेट करें। प्रेस एस्केप, चेंजेस सेव करने के लिए क्लिक ऑन यस बटन। नाउ ई इनवॉइस विद ईवेबिल कैसे जनरेट करेंगे वो जानते हैं। Now go to transaction, sales entry, sales invoice. E-invoice auto में जाएंगे, जिसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+J। क्लिक ऑन E-invoice auto। पॉपअप बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसमें यस सेट करें, ईवे बिल डिटेल्स ऐड करें, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन आई अग्री। आप देख सकते हैं ई इनवॉइस विथ ईवेबिल जनरेट हो गया है। अब रिपोर्ट देखेंगे, गो टू जीएसटी, ई इनवॉइस, यहाँ पर पर्टिकुलर इनवॉइस डिस्प्ले होगा एंड इसी तरह से ईवेबिल रिपोर्ट देखेंगे। अगेन गो टू जीएसटी, ईवेबिल, यहाँ पर ईवेबिल डिस्प्ले हो रहा है। ईवेबिल प्रिंट करने के लिए क्लिक ऑन प्रिंट ईवेबिल बटन। अब हम एक्सपोर्ट का इनवॉइस विद ईवेबिल विद IRN नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखेंगे। इसमें भी हम बाकी इनवॉइसेस की तरह ही इनवॉइस ऐड करेंगे, जिसके लिए गो टू ट्रांजेक्शन, सेल्स एंट्री, सेल्स इनवॉइस, क्लिक ऑन ऐड बटन, पार्टी सिलेक्ट करें। मेक श्योर कि पार्टी की नेसेसरी डिटेल्स फिल्ड हो। क्लिक ऑन ओके। इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करें, शिप टू नेम में पार्टी नेम ऐड करें। एक्सपोर्ट इनवॉइस सिलेक्ट करते टाइम हमें वाउचर सेटअप में एंट्री ऑप्शन में से शिप टू ऑप्शन एनेबल करना होगा। डेट ऐड करें, शिपिंग बिल नंबर ऐड करें, पोर्ट कोड ऐड करें, क्लिक ऑन ओके। प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी ऐड करें, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन यस। हमारा इनवॉइस ऐड हो चुका है। अब हम ई इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ई इनवॉइस ऑटो में जाएंगे, यहाँ पर हम नो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ई इनवॉइस बना रहे हैं, इसलिए क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन आई अग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इनवॉइस डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका ईवे बिल जनरेट करेंगे, गो टू जीएसटी, ई इनवॉइस, यहाँ पर इनवॉइस सिलेक्ट करें जो हमने जनरेट किया था। नीचे दिए गए ईवे बिल विथ IRN नंबर पर क्लिक करें, ईवे बिल की डिटेल्स फिल करें, क्लिक ऑन ओके। IRN नंबर पर से ईवे बिल जनरेट हो चुका है। अब हम एक्सपोर्ट ईवे बिल रिपोर्ट देखेंगे, गो टू GST, ई इनवॉइस, यहाँ पर पर्टिकुलर इनवॉइस डिस्प्ले होगा, जिसमें आप नीचे दिए गए बटन जैसे कि प्रिंट ईवे बिल बटन से आप ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं, कैंसिल ईवे बिल से ईवे बिल कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल ई इनवॉइस से ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं एंड वाउचर प्रिंट से इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं
एंड इसी तरह से ई वे बिल रिपोर्ट देखेंगे। अगेन गो टू GST, ई वे बिल। यहाँ पर ई वे बिल डिस्प्ले हो रहा है। ई वे बिल प्रिंट करने के लिए क्लिक ऑन प्रिंट ई वे बिल बटन, क्लिक ऑन ओके। आप देख सकते हैं ई वे बिल डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा ये ट्यूटोरियल यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।